नमस्कार, मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉकेज ज़्यादा निकले हैं या डॉक्टर कह रहे हैं कि बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए, ये एक बड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर है। आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तार से। एंजियोग्राफी की जांच होने के बाद कई बार ब्लॉकेज इस तरह के होते हैं कि उसमें डॉक्टरों की अलग अलग राय होती है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसमें स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी करना ठीक है, और कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसमें बाईपास सर्जरी करना ठीक है, और कुछ डॉक्टर आपको रिपोर्ट में लिख के देते हैं कि स्टेंट एंजियोप्लास्टी ऑब्लिक बाईपास सर्जरी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस रास्ते जाएं। पूरे विश्व में अभी एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसे हार्ट टीम अप्रोच कहते हैं। यह हार्ट टीम अप्रोच इसी सिचुएशन के लिए तैयार किया गया है। यह एक तरह की टीम होती है। इस टीम में जो इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, जो नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो इको टीएमडी जांचें, हार्ट की जांचें करते हैं, जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, प्राइमरी फिजिशियन है, वो कई बार जो क्रिटिकल इंटेंसिविस्ट हैं, क्रिटिकल केयर जो एनेस्थीसिया देखते हैं, इंटेंसिविस्ट आईसीयू की देख रेख करते हैं, इन सारे लोगों की एक टीम होती है। कई जगह इसमें आपके जो शुगर के डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनको, जो किडनी के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से एक डॉक्टर्स का पैनल होता है। जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें इस तरह की का एक टीम होता है, और उस टीम में सारे मेंबर बैठते हैं, पेशेंट को बिठाकर उनके सामने डिस्कस किया जाता है, और फिर ये पेशेंट के हित में सबसे ज़्यादा क्या है ये निर्णय लिया जाता है। अगर टीम के अधिकांश मेंबर इस पक्ष में हैं कि उसकी बाईपास सर्जरी की जानी चाहिए, तो उसकी बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है, अन्यथा एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांशतः सेंटर पे हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की हार्ट टीम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन अगर आपने जिस सेंटर पे एंजियोग्राफी करवाई है वहाँ यह हार्ट टीम कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अपने ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट से, कि सर वो हार्ट टीम आपके यहाँ काम करती है क्या, तो वहाँ पे आपके जो सर्जन हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो एक साथ बैठ के और उस विषय में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड ओपिनियन हमारे लिए काम आता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बात बताई है कि अगर आपका मरीज एंजियोग्राफी के समय बहुत क्रिटिकल नहीं है, अब क्रिटिकल का मतलब कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, चेस्ट पेन बना हुआ है, बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में परिवर्तन है, बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड हो रहा है, धड़कन बहुत असामान्य हो रही है, इस तरह की ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस में बहुत दिक्कत हो रही है, इस तरह की दिक्कत अगर बनी हुई है, तब तो हमें अर्जेंट जो भी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं एंजियोप्लास्टी करवाना है या बाईपास करना, वो हमें तुरंत बांध के आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो मरीज की जान को रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर मरीज स्थिर है, स्टेबल है, पेशेंट जब हम एंजियोग्राफी के लिए लाए थे पेशेंट कंफर्टेबल है, ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा समय बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा समय हम मांग सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के उनकी सहमति से कि सर हमें थोड़ा समय चाहिए और हम राय लेना चाहते हैं दो तीन जगह, और उसके बाद ही हम निर्णय करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जो की जाती है यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और सही निर्णय करके सही प्रोसीजर करना मरीज के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। अगर किसी मरीज को बाईपास सर्जरी चाहिए थी और उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई, कुछ दिनों में वो स्टेंट बंद हो जाएंगे और मरीज को फिर बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना उसको पहले ही अगर उसने सही निर्णय लिया होता बाईपास सर्जरी का। और ठीक इसका उल्टा भी है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी से काम किया हो सकता था और उसने बाईपास सर्जरी करवा ली, तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में उसको इसके लिए दुखी होना पड़े कि भाई मैंने क्यों करवा ली। तो
तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम एक दो कार्डियोलॉजिस्ट और एक दो हार्ट सर्जन और अपने लोकल फिजिशियन, इनसे सलाह लेकर हम फाइनली ये डिसाइड करें कि हमारे मरीज के हित में क्या है। कुछ जो ब्लॉकेज हैं, चूंकि ये टेक्निकल डिटेल्स हैं इसलिए ये आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, छोटे ब्लॉकेज होते हैं, एक ही नस में ब्लॉकेज है और ऐसी लोकेशन पर है जिसको आराम से ओपन किया जा सकता है, स्टेंटिंग की जा सकती है, एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्स लीजन्स होते हैं, जहाँ उलझा हुआ मामला होता है, जटिल मामला होता है, जैसे कई बार दो नसों के जॉइंट पे ब्लॉकेज है या तीन नसों के जॉइंट पे ब्लॉकेज है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है ब्लॉकेज में, ब्लॉकेज की लेंथ बहुत लंबी है, या बहुत जगहों पे मल्टीपल ब्लॉकेज है, एक ही नस में तीन जगह चार जगह ब्लॉकेज है, या ब्लॉकेज के साथ में मरीज के जो मेन नस है, लेफ्ट मेन नस है, उसमें भी ब्लॉकेज हैं या कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या मरीज को ब्लॉकेज के साथ में वाल की भी शिकायत है। इस तरह के उदाहरण, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जिनमें कि बाईपास सर्जरी की आपको सलाह दी जाती है और कई जगहों पर बाईपास सर्जरी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। जो लोग लंबे समय से डायबिटिक हैं और मल्टीपल नसों में ब्लॉकेज है, इनमें भी बाईपास सर्जरी के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर देखे जाते हैं। जिन लोगों के हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है और उनमें भी ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में बाईपास सर्जरी के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पिछले एक वीडियो में कुछ दर्शकों ने ये प्रश्न पूछा था कि डॉक्टरों की फीस इतनी, चार चार डॉक्टरों की हमें फीस देनी पड़ेगी और इतना समय जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो फीस कितनी भी महंगी हो कंसल्टेशन की, आपके जान से बढ़कर नहीं है। और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये दोनों ही ऐसे प्रोसीजर हैं जो अगर सही इंडिकेशन से, सही तरीके से, सही मरीज में नहीं किए गए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय और अगर थोड़ा खर्च भी हमें करना पड़ता है, हम एक पक्के मन से कई स्पेशलिस्ट की राय लेने के बाद अगर हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं तो हमें कई तरह के फायदे होते हैं। एक, हम मरीज की कंडीशन के विषय में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने कई डॉक्टरों के साथ डिस्कस किया, हम होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के विषय में भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और हम ज़्यादा जागरूक होते हैं और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट चुन रहे हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है। अब कुछ लोगों का जो झुकाव होता है कि भाई बाईपास सर्जरी में जान का रिस्क ज़्यादा है, बाईपास सर्जरी के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है या हम फिर किसी काम करने के योग्य नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने अपने इस चैनल पे ही कई वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें पेशेंट को बाईपास सर्जरी के बाद बहुत ही सक्षम लाइफ जी रहे हैं। आप ऐसा समझें कि एंजियोप्लास्टी में भी हमने एंजियोप्लास्टी के दौरान मरीजों की जान जाते हुए देखा है और बाईपास सर्जरी के दौरान भी हमने मरीजों की जान जाते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं कि एक प्रोसीजर में रिस्क है और दूसरे प्रोसीजर में रिस्क नहीं है, दोनों ही प्रोसीजर में रिस्क हैं। हाँ, दोनों में अंतर इतना है कि एक में आपके शरीर में कट लगता है और दूसरे में कट नहीं लगता, लेकिन आप यकीन माने 1-1.5 महीना का समय होते होते मरीज पूरी तरह से सक्षम और कैपेबल होता है कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटी सब शुरू कर दे और 3-4 महीने बीतते बीतते मरीज फुल्ली फंक्शनल हो जाता है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो चाहे वो बाईपास सर्जरी हो। तो केवल आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे हम अपने निर्णय को अफेक्ट ना करें, अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना होने दें कि बाईपास सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं या एंजियोप्लास्टी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बीच में चुनने का बेस्ट तरीका है कि अगर हार्ट टीम अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में जहाँ आपने एंजियोग्राफी करवाई है, तो वो आपको एक एक फाइनल डिसीजन आपको दे सकती है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ 2-3-4 स्पेशलिस्ट की सलाह लें, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन, और फिर आप आगे बढ़ें। मेरी इतनी ही आशा है कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन चुनें वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग वो सही ऑप्शन साबित हो और आप कभी रिपेंट ना करें, कभी बाद में पछताएं नहीं कि हमने अगर और राय ले ली होती ये प्रोसीजर करने से पहले तो ठीक रहता। फिर मिलेंगे किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।